गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मिंत्रा की जो कुर्तीज होती है वो शेयर करने वाली हूँ, वो भी हैवी कुर्तीज और फेस्टिवल के लिए जो पहन सकते हैं वो टाइप की है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन ऑन होने वाली है तो डेफिनेटली वो टाइप का कलेक्शन हमें चाहिए ही। अभी आने ही वाले है एक के मतलब कि वन बाय वन फेस्टिवल आते ही रहेंगे, तो मेरे आगे भी एक दो हॉल्स ऐसे किए थे और अभी आगे भी इस टाइप के आएंगे। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली देख सकते हो, मेरी चैनल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। मैं हर टाइप के हॉल्स करती हूँ, साड़ीज के, लहंगास के, कुर्तीज वगैरह के, वेस्टर्न वेयर के भी करती हूँ, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और ये जो सारा स्टफ है मिंत्रा से बाय किया है, इसकी जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो जाके डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मेरी जो साइज है वो एल साइज है और मेरी जो हाइट है वो 5'3" है। तो चलो अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कुर्ता है वो मुझे बहुत पसंद आया था, इसका जो कलर है वो मस्टर्ड येलो कलर टाइप का है और ये वाला जो है फेस्टिवल के लिए बेस्ड है। अगर आप फेस्टिवल कलेक्शन लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसमें ये वाला बेस्ड है। इसके ऊपर आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का रेड बनारसी दुपट्टा डालोगे तो भी बहुत ही हैवी लुक आएगा। ये इस तरह का है, इसका जो नेक है वो राउंड नेक है आगे से आप जैसे देख रहे हो, और ये जो है वो सिल्क मटेरियल में है। ऊपर का है वो जॉर्जेट है, स्लीव में लाइनिंग नहीं दी है, इसके अंदर गोल्ड प्रिंट है जैसे आप देख रहे हो। अब आप लोग बोलोगे कि गोल्ड प्रिंट है तो आप वॉश करके दिखाओ, गोल्ड प्रिंट चली जाएगी, फर्स्ट वॉश में कभी भी जाती नहीं है। मैंने जितने भी गोल्ड प्रिंट वाले लिए है उसमें फर्स्ट वॉश में कभी भी नहीं गई, उसके बाद भी नहीं गई। हाँ, शायद 3-4 मंथ के बाद जब बार बार हम पहनते हैं रेगुलर बेस पे तो थोड़ा सा डल होता है, अदरवाइज निकलती नहीं है, फर्स्ट वॉश में तो कभी नहीं। आपको थोड़ा वैसे भी केयर करना पड़ता है तो कुछ नहीं होता है। सॉरी। तो इस तरह का है, ऊपर से नीचे तक आपको दिखा दूं। ये जो है वो अनारकली है लेकिन इतना फ्लेयर नहीं है इसका, स्ट्रेट अनारकली जो बोल सकते हैं, ए लाइन जो कुर्ते आते हैं वो टाइप का है। इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे का जो नेक है वो बहुत ही स्टाइलिश है। आप देखो इस शेप का है, मतलब ये पूरा नेक है, यहां से बंद है, यहां से खुलता नहीं है, लेकिन इस पैटर्न का है पीछे की साइड से और इस तरह का है। ये जो है वो हाँ ए लाइन कुर्ता ही है, अनारकली ए लाइन कुर्ता जो आता है, देखो यहां से अप एंड डाउन है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस टाइप के कुर्ते में आप पतले भी दिखते हो, आपकी जो हाइट है वो भी लंबी दिखती है। इसके नीचे आप बेज कलर का या रेड कलर का जो प्लाजो आता है वो पहनते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा गेटअप आता है। उसके बाद जो है वो मुझे पिक से ही बहुत ज्यादा पसंद आ गया था और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं पहले उसका इनर अंदर का जो है वो दिखा देती हूँ। ये आप इनर भी बोल सकते हो, उसके अंदर कुर्तीज के अंदर जो आती है वो, या फिर आप इसको एज अ कुर्ती भी पहन सकते हो, सेपरेट भी पहन सकते हो। व्हाइट कलर का है, कॉटन का है जैसे आप देख रहे हो। इसके अंदर भी लाइनिंग दी है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखो यहां से दिख रही है, यहां तक हाफ लाइनिंग दी है। इसके अंदर भी ये स्लीवलेस है और कॉटन का है, कॉटन भी अच्छा वाला है। नीचे देखोगे तो ऐसी डाई की हुई है, पीच कलर की डाई की है और पिंक रेड पीच वाला जो शेड आता है वो डाई की हुई है, यानी कि शेडेड है। पीछे भी इस तरह का है पूरा और इसमें लाइनिंग जो है मैं दिखा देती हूँ, इसके अंदर आई है वो लाइनिंग भी, ये भी कॉटन का है और अंदर लाइनिंग भी कॉटन की हाफ लाइनिंग है, ये रही देखो ये हाफ लाइनिंग है। तो ये जो है वो उसका अंदर का इनर है, अंदर की कुर्ती बोल सकते हो आप, इसको सेपरेट भी पहन सकते हो। इसके ऊपर आपको ये पहनना है, ये पीच कलर का है, जैसे नीचे पीच कलर की डाई की थी वही कलर का है ऊपर का जो है वो। आप देखोगे तो यहाँ पे बटन्स दिए हैं, गोल्डन बटन्स दिए हैं और ये जो है वो गोल्डन प्रिंट है और ये जो सारे यहां तक है वो खुलते हैं, यहां तक के है वो। और इसकी स्लीव है वो ऐसी है, 3/4 या 3/4 से थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं। नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे आगे यहाँ पे फ्रंट स्लिट दी है जैसे आप देख रहे हो वैसे, और उसके नीचे जाओगे ये भी पूरा शेडेड है। आप देखो डार्क पिंक कलर, सॉरी लाइट पिंक कलर, लाइट पीच कलर, मतलब पीच कलर, और नीचे देखोगे तो थोड़ा सा डार्क है और नीचे भी ऐसी गोल्डन प्रिंट दी है आप देखो। तो ये भी फेस्टिवल के लिए आप डेफिनेटली ले सकते हो, थोड़ा सा सिंपल सोबर है, जो लोगों को बहुत ज्यादा हैवी नहीं पसंद है, हैवी वर्क हैवी प्रिंट नहीं पसंद है
वो लोग ये टाइप का भी पहन सकते हो। इसके नीचे व्हाइट प्लाजो इजीली चला जाएगा, अगर आपके पास व्हाइट पैंट है, व्हाइट ट्राउजर है, व्हाइट प्लाजो है तो डेफिनेटली चला जाएगा। तो आपको नीचे का भी लेना नहीं पड़ेगा सेपरेटली। पीछे से भी इस तरह का है, इस तरह का ही है पूरा। इसका जो जैकेट है वो मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो फैब्रिक है वो भी कॉटन का है तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा है। क्वालिटी वाइज भी देखते तो अच्छा है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। थोड़ा सा स्टाइलिश भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है और सिंपल भी है। तो बस आज की वीडियो में यही था। आपको ये दोनों में से कौन सी वाली कुर्ती सबसे ज्यादा पसंद आई है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।